हेलो एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं रजत सेठी। बात करें अगर हम इस कॉमन सेंस प्रोग्राम की, तो हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया लोगों की कॉमन सेंस चेक करने के लिए। जी हां, इस प्रोग्राम में हम लोगों की कॉमन सेंस चेक करेंगे, कुछ आसान से कॉमन सेंस वाले सवाल पूछेंगे, पर लोग हमारे सवाल सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और जवाब दे देते हैं, इसलिए उनके जवाब ज़्यादातर गलत ही होंगे। तो आइए चेक करते हैं कुछ लोगों की कॉमन सेंस। पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको दिखाएंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हां, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखकर आप जब उसे देखेंगे तो ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और जब इस्तेमाल करेंगे तब मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो देखिए आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, ये तो था हमारा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करते हैं आपकी नॉलेज इस फैक्ट को लेकर ज़रूर बढ़ी होगी, और जब भी आप इस फैक्ट को इस ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की। हमारा आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि अगर तीन लोग सड़क पर चल रहे हैं, जी हाँ तीन लोग सड़क पर चल रहे हैं, तो ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे जिससे हर बंदे के आगे दो बंदे होने कंपलसरी हैं। तो आइए चलते हैं कुछ लोगों से बात करते हैं उनसे, और चेक करते हैं उनकी कॉमन सेंस। जी हाँ, कॉमन सेंस होती सब में है, पर इस्तेमाल कोई कोई करता है। लोग सभी कॉमन होते हैं, सेंस कोई कोई इस्तेमाल करता है। चलते हैं कुछ लोगों के पास और बात करते हैं उनसे, और देखते हैं कितनी कॉमन सेंस होती है। अपना नाम बता दें। हम मेरा नाम है महेश्वर शर्मा। अच्छा बताइए, आप में कॉमन सेंस है? होगी थोड़ी बहुत। तो बताइए, एक आपसे मैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो आप उसका जवाब देंगे? बिल्कुल। अगर तीन लोग सड़क पर चल रहे हैं, तो वो ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे कि हर बंदे के आगे दो बंदे हों? क्या होगा, फिर से बताएं। अगर तीन लोग एक सड़क पर चल रहे हैं, वो ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे? स्ट्रेट चलेंगे, राइट चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे, कैसे चलेंगे कि हर इंसान के आगे दो बंदे होने चाहिए? कैसे भी चल रहे हैं, दो आगे ही रहेंगे। कैसे रहेंगे दो आगे? यार जैसे हम एक रो में चल रहे हैं तीन, दो तो आगे ही रहेंगे ना। तो सबसे आगे वाले के आगे दो कैसे होंगे? हाँ, उसके आगे नहीं होंगे, जो लास्ट वाला होगा उसके आगे दो होंगे। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे चलेंगे कि हर बंदे के आगे दो बंदे होने चाहिए। पता नहीं है। नाम बताया आप अपना। मेरा नाम बलकार सिंह। कॉमन सेंस है आप पे? यस सर। कितनी? बहुत सारी। बताइए कितनी चाहिए आपको? तीन लोग अगर चल रहे हैं सड़क पर, वो ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे कि हर इंसान के आगे दो बंदे होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंदा तो एक ही होगा, वो तो नेचुरली ऑलरेडी वो आगे ही रहेगा ना। आगे कैसे रहेगा जब हम बोल रहे हैं कि तीन बंदे चल रहे हैं, हर एक इंसान के आगे दो बंदे चल रहे होंगे जब वो चल रहे होंगे? ऐसे कौन सी पोजीशन में चलेंगे? लेफ्ट चलेंगे, राइट चलेंगे, कैसे चलेंगे? वो तो एक ही बंदा रहेगा ना, दो बंदे वो आएंगे कहाँ से, वो तो खुद ही चल रहा होगा ना आगे। मैम अपना नाम बता दें। सान्या। आप में कॉमन सेंस है? होनी तो चाहिए। कहते हैं लड़कियों में कम होती है कॉमन सेंस। नहीं नहीं, मुझमें लड़कों से ज्यादा है। अच्छा बताइए, मैं आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देंगे? हाँ जरूर। अगर तीन लोग रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, वो ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे कि हर इंसान के आगे दो बंदे होने चाहिए? अगर तीन लोग रोड पर चल रहे हैं, तो वो ऐसी कौन सी पोजीशन पर होंगे कि कैसी पोजीशन में चलेंगे कि हर एक के आगे दो बंदे हो? टोटल तीन है। टोटल बंदों के आगे दो, हर बंदे के आगे दो, हर बंदे के आगे दो। उसमें सबसे आगे वाले के आगे दो कैसे होंगे? अच्छा ठीक है, उसके आगे दो होने चाहिए। टोटल तीन है। टोटल तीन है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रफी सिंह। आप में कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस हाँ। कितनी? थोड़ी सी। अच्छा, तो मैं आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देंगे? हाँ जी जरूर। अच्छा बताइए, अगर तीन लोग सड़क पर चल रहे हैं, तीनों ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे कि हर एक के आगे दो बंदे होने चाहिए? हर एक के आगे दो बंदे होने चाहिए, लाइन में चलने चाहिए तीनों। कौन सी लाइन में सर? कौन सी लाइन में? जी लोग सभी कॉमन है, पर सेंस किसी में भी नहीं मिल रही है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या पता बच्चों में बड़ों से ज़्यादा सेंस हो। अपना नाम बता दें आप। अजय सिंह। कौन सी क्लास में है? थर्ड सी। अच्छा, आप में कॉमन सेंस है? अच्छा बताइए, अगर तीन लोग एक रोड पर चल रहे हैं, तो वो ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे कि हर एक के आगे दो लोग हों? साथ मिलकर।
ऐसे चलेंगे एक लाइन में। कौन सी लाइन में? स्ट्रेट में। सबसे आगे वाले के आगे कैसे होंगे दो बंदे? यानी कि एक बंदे के आगे दो बंदे सेम चलेंगे। हाँ। वो तो बंदा एक ही होगा, उसके आगे होगा कोई नहीं, वो तो खुद ही चलना चाहेगा ना उसके आगे, मतलब खुद ही चलना चाहेगा ना। अच्छा, आप कह रहे हैं एक ही बंदा होगा, जब मैं आपको बोल रहा हूँ तीन बंदे हैं तब भी आप एक ही बंदा बोल रहे हैं? वो तो देख के पता चलेगा ना बंदे कितने हैं। अच्छा, मैं आपको पहले दिखाऊंगा बंदे कहाँ पे। बंदे दिखाने पड़ेंगे ना कि बंदे है कहाँ पे, वो मैं देखूंगा अपनी नजर से देखूंगा कि कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हो। टोटल थ्री है और हर एक के सामने दो होने चाहिए। बताइए कुछ, अपने दिमाग लगाइए थोड़ा। पता नहीं, लास्ट वाले के आगे दो होंगे, जो मिडिल वाला होगा उसके आगे एक होगा, और जो सबसे फ्रंट में होगा उसके आगे कोई नहीं होगा। वो दूसरी लाइन से जाएंगे और फिर आगे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये बोल रहे हैं दूसरी लाइन से जाएंगे और आगे आ जाएंगे। आइए, पहले नंबर तो बंदा एक ही होगा, मुझे तो पहले नंबर बंदा ही नहीं है हमारे पास अभी कोई, ये चलेगा वो कहाँ से? आप कह रहे हैं सबसे आगे वाले के आगे कोई नहीं होगा? आगे के पीछे वाले दो होंगे। जब मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे आगे वाले के आगे भी दो लोग होने चाहिए, कंपलसरी है। कैसे चलेंगे वो? पता नहीं, हाथ में हाथ डाल के। आप बता दीजिए। मुझे तो पता है, आपसे पूछ रहा हूँ। गिवन अप, आप बता दीजिए। सर रो में चलने चाहिए। कैसे चलेंगे आप बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन करके। ऐसे तीनों के आगे दो बंदे होंगे। सबसे आगे वाले के आगे कैसे होंगे दो बंदे? सर साइड में तो होंगे ना। साइड वाले के जो सबसे साइड में होगा उसके कैसे होंगे दो बंदे? सर साइड हर एक के आगे दो बंदे होंगे ना। अगर मैं जहाँ पे चलूँगा मेरे आगे इस साइड दो बंदे होंगे, अगर वो वहाँ से चलेगा तो उसके आगे दो बंदे होंगे। ये बोल रहे हैं साइड में दो बंदे होंगे, तो आइए चलते कुछ और लोगों के पास। नाम बता दे अपना। इम्तियाज। कॉमन सेंस है? हाँ। कितनी? फाइव कॉमन सेंस है। हाँ, वो क्या होता है फाइव कॉमन सेंस? फाइव कॉमन सेंस होते हैं, ड्रम सेंस करते हैं, हमारे पास बॉडी ऑर्गन जितने भी होते हैं सेंसेस होते हैं। जितना नाम बताया आप? हाँ जी सर, मनमीत सिंह। आप में कॉमन सेंस है? लगती तो है। कितनी? जितनी आम लोगों में होती है। अच्छा, मैं आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देंगे? जरूर दूंगा। तीन लोग एक रोड पर चल रहे हैं, ऐसी कौन सी पोजीशन पर चलेंगे कि हर एक के आगे दो लोग? रोड कौन सा हमारा, इंडिया वाला कि फॉरेन का? इंडिया का ही, जम्मू का रोड है। जैसे नाम बता रहे आप? राजवीर। कॉमन सेंस है आप में? हाँ है। कितनी बताइए, पूछिए, चेक कीजिए। चेक तो हम करेंगे, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कॉमन सेंस का, आपने उसका जवाब देना है। ओके करेक्ट। सर एक अगर सड़क पर तीन लोग चल रहे हैं, वो ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे कि हर एक के आगे दो लोग हों? कौन सी पोजीशन में हर एक के आगे दो लोग चल रहे हो? कंपलसरी है दो लोग चल, हर एक के आगे दो होने चाहिए। हर एक के पीछे चलेंगे? इंडिया का ही, जम्मू का रोड है। जम्मू का रोड है, रोड सड़क लुक पड़ी है कि कच्चा रोड है? वो रोड को छोड़िए ना, आप बताइए ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे कि हर एक के आगे दो लोग? नहीं, हमें रोड भी पता होना चाहिए ना, जमीन के ऊपर है, नीचे है रोड, ऊपर हवा में रोड है, ये रोड बताइए ना। जैसे बाहर रोड है? हाँ बस वैसे ही। तीन इंसान चल रहे हैं, अब काफ़ी साइंस वाले इंसान लग रहे हैं। चलिए आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं कॉमन सेंस का, ठीक है? कोई बात नहीं, पूछिए। अगर तीन लोग एक रोड पर चल रहे हैं, वो ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे कि हर एक के आगे दो लोग हो? हर एक के आगे दो लोग हो, कौन सी पोजीशन में चलेंगे हर एक के? दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, पता चल जाएगा। हर एक के आगे दो लोग, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। कभी तीन लोग चले हो आप? हाँ। कैसी पोजीशन हो सकती है, सोचिए दिमाग में थोड़ा, सोचिए कि कैसी पोजीशन हो सकती है जिसमें दो लोग हमेशा आगे चल रहे हो? स्ट्रेट में आगे दो लोग, जो बाकी दो बच्चा है वही। सबसे आगे वाले के आगे दो लोग कैसे होंगे स्ट्रेट में? स्ट्रेट में पीछे हो गए, आगे के दो पीछे हो गए। वो ट्राइप जो आगे जब पीछे आके चलेगा और क्या, उसका दो लोग होंगे पीछे, क्यों आगे चलेंगे? उल्टा कैसे चलेंगे? हर एक आगे दो होंगे तभी तो। मैं बोल रहा हूँ लोग चल रहे हैं, कैसी पोजीशन में चलेंगे कि हर एक के आगे दो लोग चल रहे हों? लोग तीन हैं, तीन ही लोग हैं, जैसे हम तीन हैं इस वक्त।
सोचिए, थोड़ा दिमाग में लगाइए, पता चल जाएगा। इमेजिन कीजिए ना, तीन लोग चल रहे हैं, कैसे चलेंगे वो, कि हरे के आगे दो लोगों रो में चलेंगे, रो में चलेंगे फिर भी नहीं पाएगा, तो कैसे चल सकते हैं? कोई तो जवाब दो, बताया तो रो में चलेंगे तब तीन होंगे, नहीं तो रिवर्स उल्टा चलेंगे कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं। तीन लोग चल रहे हैं रोड पर, कैसी पोजीशन में चलेंगे कि हर एक के आगे दो लोगों, थोड़ा सोचिए, दिमाग में आएगा कुछ ना कुछ। नहीं सोच के ही दिमाग में आएगा, तीन लोग चल रहे हैं हर एक के आगे दो, बाकी हर तीन बंदे हर एक इंसान के आगे दो, ऐसे चल देंगे, ऐसे ही चल रहे हैं हर एक के आगे दो लोग कंपलसरी। एक के पीछे चलेंगे और क्या, चलिए ये तो कह रहे हैं रिवर्स में चलेंगे, आइए। सर्कल में चलेंगे, कहीं से सुना है या फिर अभी ऐसे ही सोच के बताया आपने? सोच के बताया, हम सर्कल में चलेंगे तो सबके एक दूसरे के आगे ही होंगे। तो ये पहला इंसान हमें मिल चुका है जिसमें कॉमन सेंस है, आइए चलते हैं कुछ और लोगों के पास। जी हमें लग नहीं रहा था कि जम्मू में कॉमन सेंस की इतनी कमी होगी, क्योंकि लोग सभी कॉमन होते हैं पर सेंस किसी किसी में होती है। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं कि उनमें कितनी कॉमन सेंस है। अपना नाम बता दें आप? रोहिणी शर्मा। कॉमन सेंस है आप में? नहीं नहीं है। लड़कियों में वैसे भी कहते हैं कि कॉमन सेंस की कमी होती है, आप में भी कमी है? पता नहीं, आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछूंगा मैं। अगर तीन लोग रोड पर चल रहे हैं, वो ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे कि हर एक के आगे दो लोगों? सर्कल में। किसी ने बताया आपको या फिर अभी आपने खुद सोचा? नहीं मैंने खुद सोचा। सच्ची बोली, किसी ने बताया नहीं? खुद सोचा, क्यों? अभी पीछे हम बात कर रहे थे, वहां से तो नहीं सुना आपने? नहीं नहीं, मैं तो अपनी सीएसटी पे थी। जी आज हमारे इस प्रोग्राम में हमने कुछ लोगों की कॉमन सेंस चेक की। जी हाँ, कॉमन सेंस किसी किसी में तो मिली पर किसी किसी में नहीं मिली। हमने उनसे एक आसान सा सवाल पूछा था कि अगर तीन लोग सड़क पर चल रहे हैं, ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे कि हर एक के आगे दो लोग चल रहे हैं? तो इसका जवाब है कि वो सर्कल में चलेंगे। तो चलते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम एक और आसान सा सवाल पूछेंगे लोगों से, जो कि है कि अगर दो घर हैं, एक लकड़ी का और एक पत्थर का, दोनों में आग लगी है, तो एम्बुलेंस सबसे पहले किसकी आग जाके बुझाएगी? तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास। जी नाम बता दें आप अपना। जी अश्विनी पंडिता। कॉमन सेंस है आप में? यस। कैसे पता आपको? पता मुझे है। अब जो है मैं आपसे एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दोगे? ओके। अच्छा बताइए, दो घर हैं, एक लकड़ी का घर है, लकड़ी का घर बेचारे गरीब बंदे का, एक पत्थर का घर है अमीर आदमी का, दोनों में आग लगती है, तो सबसे पहले एम्बुलेंस आके किसकी आग बुझाएगी? लकड़ी वाले घर की। जी सर, नाम क्या आपका? आदित्य। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। सर कॉमन सेंस है आप में? है। सर बोलते सभी हैं पर होती किसी किसी में, आप में है, कैसे पता आपको? है। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस का, आपने जवाब देना। हाँ जी जी। अच्छा सर बताइए, दो घर हैं, ठीक है, एक लकड़ी का घर है, एक पत्थर का घर है, ठीक है, लकड़ी वाला एक गरीब इंसान का घर है, पत्थर वाला अमीर का है, अब बताइए दोनों में आग लगी है, तो सबसे पहले जाके एम्बुलेंस किसकी आग बुझाएगी? एक लकड़ी का और कौन सा? एक पत्थर का। एक पत्थर का। लकड़ी वाला। कैसे बता आपको? लकड़ी को आग लग सकती है, पत्थर को नहीं लग सकती। जी सर, अपना नाम बता दें। रोमेश। कॉमन सेंस है आप पे? बिल्कुल है, थोड़ी सी। थोड़ी सी है या ज़्यादा है? थोड़ी। आपसे मैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देंगे? जी। सर दो घर हैं, दोनों में आग लगी है, एक लकड़ी का घर है, एक पत्थर का घर है, लकड़ी का एक गरीब इंसान का घर है, पत्थर का एक अमीर इंसान का घर है, दोनों में एक ही वक्त पे आग लगी है, तो सबसे पहले जाके एम्बुलेंस किसकी आग बुझाएगी? अमीर की। कैसे? क्योंकि उसने कॉल करी होगी तो। मेरा नाम शबनम शाहीन है। क्या करते हैं आप? मैं ये साइंस कॉलेज में करती हूँ। अच्छा, आप में कॉमन सेंस है? हाँ। लड़कियों में कम होता है थोड़ा कॉमन सेंस? शायद, जरूरी नहीं है। तो आप में है? हाँ। आपसे हमें कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देंगे? ओके। अच्छा, अगर दो घर हैं, एक लकड़ी का घर है, एक पत्थर का घर है, लकड़ी वाला एक गरीब इंसान का घर है, पत्थर वाला एक अमीर इंसान का घर है, दोनों में सेम टाइम पे आग लगती है, तो सबसे पहले जाकर एम्बुलेंस किसकी आग बुझाएगी? लकड़ी की, लकड़ी वाले की। जी नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। कॉमन सेंस है? हाँ। कितनी? ये पता नहीं है कितनी। कितना पता की है? हाँ। अच्छा, आपसे हम एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछेंगे, जवाब दोगे? हाँ पूछिए। अच्छा बताइए, दो घर हैं, एक गरीब का है, एक अमीर का है,
गरीब का लकड़ी का घर है, अमीर का थोड़ा अच्छा घर है, दोनों में सेम वक्त पे आग लगी है, उसी वक्त दोनों जगह पे आग लगी है, तो सबसे पहले आकर एम्बुलेंस किसकी आग बुझाएगी? एम्बुलेंस पहले, लेकिन पक्के घर में आग कैसे लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो पक्का है, वहाँ आग कैसे लगेगी? मैं बोल रहा हूँ लगी हुई है दोनों जगह पे आग। देखिए ये तो कॉमन सेंस का सवाल है, वो तो कोई भी आग, मतलब पहले पहले क्या कच्चे की बुझाएंगे? मेरा नाम है रीता। क्या करते हैं आप? मैं टीचर। अच्छा बताइए कॉमन सेंस है आप में कहाँ है? लड़कों में ज्यादा कॉमन सेंस होती है लड़कियों में? लड़कियों में। कहते हैं लड़कियों में कम होती है? नहीं नहीं नहीं, लड़कियों में ज्यादा होती है। आप में कितनी है? वो तो क्या पता। आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछेंगे आप जवाब दो। दो घर हैं, एक लकड़ी का घर है, एक पत्थर का घर है। गरीब आदमी का लकड़ी का घर है, पत्थर का घर एक अमीर आदमी का, दोनों में एक ही वक्त पे आग लगी है, सबसे पहले आकर एम्बुलेंस किसकी आग बुझाएगी? लकड़ी वाले का। वो क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी जल जाते हैं। मैम आप बताएं अपना नाम। डेजी। कॉमन सेंस है आप में? पता नहीं, वो आप देख लो। आपको क्या लगता है? कॉमन सेंस तो है और क्या। कॉमन सेंस वाला सवाल पूछेंगे हम आपसे, जवाब देंगे। बोल दीजिए, अगर आएगा तो बोल दूंगी। दो घर हैं, एक लकड़ी का घर है, एक पत्थर का घर है, दोनों में एक ही वक्त पे आग लगी है, सबसे पहले आकर एम्बुलेंस किसकी आग बुझाएगी? दोनों में क्या? एक ही वक्त पर आग लगी है। लकड़ी के घर में आग लगेगी जल्दी। थोड़ा सोचिए ये जवाब में। पता नहीं, लकड़ी में ही आग जल्दी लगती है। कैसे बता आपको? क्योंकि जो पत्थर का घर है उसमें आग नहीं लगेगी, जो लकड़ी का घर होगा उसमें आग लग जाएगी, तो इसलिए उनको बचाएगी वाले। नहीं, पत्थर का घर बाहर से पत्थर का, अंदर से तो बिल पत्थर का छोड़ना है। बट आई थिंक लकड़ी वाले घर को बचाएगी वाले। ये खुद बताया आपने, दिमाग लगाया अपना? नहीं, मैंने दिमाग लगाया अपना। मतलब कॉमन सेंस है आप? यस, कॉमन सेंस। पत्थर वाला घर बाहर से पत्थर का, अंदर से पत्थर का नहीं है? नहीं, टोटली पत्थर ही होगा ना। आग मैं आपको बोल रहा हूँ ना, दोनों घरों में आग लगी है। दोनों घरों में नहीं, दोनों घरों में लकड़ी वाला पहले बुझाना पड़ेगा। क्यों बुझाना पड़ेगा पहले लकड़ी वाला? पत्थर को तो आग लगेगी नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों में आग लग चुकी है। हाँ जी, तो दोनों में से किसको पहले जाके बुझाएगी एम्बुलेंस आग? पहले लकड़ी को। कैसे बता दो? लकड़ी को आग लग सकती है? दोनों में लगी हुई है आग पहले की। पत्थर को आग लग नहीं सकती। ये बोल रहे हैं पत्थर में आग नहीं लग सकती, लकड़ी में आग लग सकती है। आइए चले। जिसके घर में पहले का आग लगी हुई, दोनों में एक ही वक्त पे आग लगी है, दोनों को इकट्ठे बुझाएगी, दो एम्बुलेंस आएंगी वहाँ। जी तो कह रहे हैं दो एम्बुलेंस आएंगी, चलेंगी चलते किसी और के पास। आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि लकड़ी में आग जल्दी लगती है। दोनों में सेम आग लगी है। अच्छा, दोनों में सेम आग लगी नहीं सकती, पत्थर में, पत्थर वाले में कैसे लगेगी आग? वो बाहर से पत्थर का, अंदर से पत्थर का नहीं है घर। क्यों कच्चे की क्यों बुझाएंगे? क्योंकि वो जल्दी जल जाता है ना। नहीं, दोनों सेम वक्त पे जल रहे हैं। तो दो एम्बुलेंस नहीं आ सकती क्या? दो बुला लेंगे। ठीक है, फिर दोनों आ जाएंगी। तो ये बोल रहे हैं दो एम्बुलेंस बुला लीजिए, आइए चलते हैं किसी और के पास। जल्दी जलने में क्या हुआ सब? दोनों में एक ही वक्त पे आग लगी। ये ना पत्थर वाले में आग नहीं उतनी है, ये करेगी है थोड़ा सा ना, लकड़ी में जैसे जल्दी पिकअप करेगी। थोड़ा सोचिए, ये जवाब नहीं है, ये कुछ और जवाब है, थोड़ा सोचिए। कुछ और जवाब नहीं है, लकड़ी में ज्यादा पकड़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ और जवाब है, सोचिए थोड़ा। नहीं नहीं, ये लकड़ी में ज्यादा पकड़ है पत्थरों से। लीजिए, ये तो मेरी बात मान नहीं रहे, किसी और के पास चलते हैं। अच्छा, आप बोल रहे लकड़ी में आग जल्दी लगती है, तो लकड़ी का बुझाएंगे? दोनों में एक ही वक्त पे बुझेगा जल्दी वो वाला, मतलब उसमें तो लगेगी नहीं पत्थर पे, पत्थर में कैसे आग लगेगी? पत्थर का घर मैं बोल रहा हूँ पक्का घर है, जैसे शहरों में घर होते हैं वैसा घर है वो। तो सबसे पहले किसको किसकी आग बुझाएगी? समझ में ही नहीं आ रहा। सोचें थोड़ा, सोचें। कहते हैं लड़कियों में काफी कॉमन सेंस भी होती है। होती तो है, और क्या। सोचें ना थोड़ा, कोई शक ही नहीं है। मेरा नाम बता दें आप? विक्रांत शर्मा। सर कॉमन सेंस है आप? जी बिल्कुल है जी। कितनी कितनी क्या मतलब, जितनी एक आम इंसान में होती है उतनी। आपको कैसे पता आपका कॉमन सेंस है? जैसे आपको पता है। अच्छा, मैं आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे? जी बिल्कुल। बताइए सर, अगर दो घर हैं, दोनों में आग लगी है, एक लकड़ी का घर है, एक पत्थर का घर है, लकड़ी का एक बेचारे गरीब आदमी का घर है, पत्थर का एक अमीर आदमी का घर है, दोनों में आग लगी है, तो सबसे पहले जाके एम्बुलेंस किसकी आग बुझाएगी? एम्बुलेंस नहीं सर, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आती है। तो इनको ये पहला इंसान मिले हमें जिसमें कॉमन सेंस है। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से।
मैम नाम बता दें। मेरा नाम संजना मनहास है। कॉमन सेंस है आप में? हाँ। कितनी? देखो पूछ के। अच्छा, लड़कियों में ज्यादा कॉमन सेंस होती है लड़कों में? लड़कियों में कैसे कह सकते हैं? पता हमें कैसे पता चला? पता है, आप पूछो तो सही। अच्छा हम एक सवाल पूछेंगे आपसे। दो घर हैं, एक लकड़ी का घर है, एक पत्थर का घर है। लकड़ी का एक गरीब इंसान का घर है, पत्थर का जैसे पक्के घर होते हैं शहरों में वैसा घर है। दोनों में एक ही वक्त पे आग लगी है, सबसे पहले आकर एम्बुलेंस किसकी आग बुझाएगी? एम्बुलेंस कैसे आए? एम्बुलेंस को बुलाना है, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे उसको आग बुझाने के लिए? किस तू बुलाएंगे? ये आपने कहीं से सुना है या अभी खुद दिमाग लगाया? दिमाग नहीं है क्या? दिमाग है हमारा। एम्बुलेंस नहीं आएगी पहले, सबसे पहले फायर ब्रिगेड आएगी उससे आग बुझाने के लिए। उसको सेफ रखेंगे पहले, जो अंदर होंगे उनको निकालेंगे। इनका तो सही जवाब निकला, लड़कियों में भी इन्होंने साबित कर दिया कि कॉमन सेंस होती है। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। फायर ब्रिगेड आई नहीं रही, एम्बुलेंस आ रही है। अच्छा एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस कैसे आग बुझेगी? वो तो फायर ब्रिगेड ही बुझाएगी। ये आपने दिमाग लगाया या मेरी बात सुन के बोला? नहीं, आपकी बात सुन के बोला। दोस्तों हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे अंक में हमने बात की थी कुछ लोगों से और पूछा था आसान सा सवाल कि अगर दो घरों में आग लगी है, लकड़ी का घर है और एक पत्थर का घर है, दोनों में एक ही वक्त पर आग लगी है, तो सबसे पहले आकर एम्बुलेंस किसकी आग बुझाएगी? लोग मेरा सवाल सुनते नहीं है, समझते नहीं है और जवाब दे देते हैं, इसलिए उनके जवाब गलत निकलते हैं। कुछ लोगों ने सही जवाब भी दिए और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कि एम्बुलेंस आग बुझाती नहीं है। तो एम्बुलेंस आग बुझाती नहीं है। चलते हैं कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम टंग ट्विस्टर पूछेंगे। एक बैड मनी मैड बनी, बैड यानी कि बुरा, मनी यानी कि पैसा, मैड यानी कि पागल और बनी यानी कि बक्स बनी वाला बनी। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से और देखते हैं कितने लोग इसका बोल पाते हैं। सर अपना नाम बता दें। सर सुकांत गुप्ता। एक टंग ट्विस्टर पूछने वाले हम आपसे, बोल पाएंगे आप? टंग ट्विस्टर है बैड मनी मैड बनी, पांच बार बोलना आपने तेज़ से। मनी मैड मनी, बैड मनी मैड मनी, बैड मनी मैड मनी, बैड मनी मैड मनी, बैड मनी मैड मनी। मैड मनी नहीं, बैड बनी। बैड बुरा, मनी यानी कि पैसा, मैड यानी कि पागल और बनी यानी कि बक्स बनी वाला। बैड मनी बैड मनी मैड बनी। मेरा नाम है शत्रुजीत सिंह। अच्छा एक टंग ट्विस्टर हम आपसे बुलवाना चाहते हैं, आप बोलेंगे? हाँ जी बोलिए, बताइए। आपने बोलना है बैड मनी, बैड यानी कि बुरा, मनी यानी कि पैसा, मैड बनी, मैड यानी कि पागल, बनी यानी कि बक्स बनी वाला बनी। पांच बार बोलना है तेज़ से। दोबारा से रिपीट करेंगे। बैड मनी मैड बनी, बैड मनी मैड बनी, मैड बनी, बैड मनी मैड बनी। पांच बार बोलना तेज़ से। बैड मनी बैड मनी, बैड मनी मैड मनी, बैड मनी मैड बनी। इतना IQ तेज नहीं है मेरा। बैड मनी मैड बनी, बैड मनी मैड बनी, बैड मनी बैड मनी, बैड मनी मैड बनी, बैड मनी। नहीं, आइए चलते हैं किसी और के पास और देखते हैं वो बोल पाते हैं नहीं। कोशिश करिए, हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बिकॉज आई एम फर्स्ट टाइम फेसिंग कर रहा हूँ मैं से इस इन सब चीज़ों को। फर्स्ट टाइम, पहले भी कभी टंग ट्विस्टर आपने बोला? नहीं नहीं, कभी नहीं। ट्राई तो कीजिए। क्या था फिर से? मैड बैड मनी मैड बनी, बैड मनी मैड बनी, बैड मनी मैड बनी, बैड मनी मैड मनी। चलो ये तो बोल नहीं पाए, आइए चलते हैं किसी और लोगों के पास और बात करते हैं उनसे। जी सर नाम बता दें आप। राकेश परिहार। क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। आपसे हम एक टंग ट्विस्टर बुलवाने वाले हैं, आप बोलेंगे? यस। आपने बोला है बैड मनी मैड बनी, बैड यानी कि बुरा, मनी यानी कि पैसा, मैड यानी कि पागल और बनी यानी कि बक्स बनी वाला। पांच बार बोला। आप एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोलना है? बैड मनी मैड बनी। ओके, पांच बार दे से। ओके, बैड मनी मैड बनी, बैड मनी मैड बनी, बैड मनी मैड बनी, बैड मनी मैड बनी। एक और बार। बैड मनी मैड बनी। जी ये तो बोल गए हैं ठीक से, आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। जी बोलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बैड मनी मैड बनी। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और देखते हैं वो बोल पाते हैं या नहीं। अपना नाम बता दें। प्रिया मनास। आपसे हम एक टंग ट्विस्टर पूछने वाले, बोलेंगे? हाँ जी हाँ। आपने बोला है बैड मनी मैड बनी। ओके, पांच बार। बैड मनी मैड बनी, बैड मनी मैड बनी, बैड मनी मैड बनी, बैड मनी मैड बनी।
ये दूसरे शख्स हमें मिले हैं जो कि बिल्कुल ठीक से बोल पाए हैं। जी दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने लोगों की कॉमन सेंस चेक की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, एंटरटेनमेंट हुआ होगा आपका हमारे आज के प्रोग्राम से, साथ ही आप कॉमन सेंस यूज करना शुरू कर चुके होंगे। हमारा ये प्रोग्राम आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia। साथ ही हमें सजेशंस दे सकते हैं इस प्रोग्राम के रिलेटेड, और लोकेशंस भी बता सकते हैं जहां पे आप चाहते हैं हम ये प्रोग्राम करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8716964444। जी हाँ, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे और कैमरामैन दीपक कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।